इस लेक्चर में हम पार्शियल फ्रैक्शन का केस नंबर वन स्टडी करेंगे। डिपेंडेंट अपॉन क्यू ऑफ एक्स पार्शियल फ्रैक्शंस के फोर केसेस हैं। पहला केस ये है रेजोल्यूशन ऑफ अ रैशनल फ्रैक्शन पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस व्हेन क्यू ऑफ एक्स हैज ओनली नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, कि जब हमारे पास क्यू ऑफ एक्स में सिर्फ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे हम सीखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है रिजॉल्व 7x प्लस 25 ओवर एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू पार्शियल फ्रैक्शंस। सबसे पहले ये हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें हमारे पास इसकी डिग्री 1 है और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी डिग्री हमारे पास 2 होगी। उसके बाद ये हमारे पास क्यू ऑफ एक्स जो है इसमें नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं। अब जब भी हम कोई क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमने रिजॉल्व करना होगा किसी एक फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में, तो हम सपोज करेंगे कि उसके कौन कोई पार्शियल फ्रैक्शंस। लेट के इसके मैं सपोज करता हूं 7x प्लस 25 ओवर एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। इसके जो पार्शियल फ्रैक्शंस हैं वो हमारे पास हैं सपोज के a ओवर एक्स प्लस 3 प्लस b ओवर एक्स प्लस 4। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आए। हमने एक्चुअली वैल्यूज फाइंड करनी है a और b की। डिनोमिनेटर की वैल्यूज जो हैं वो तो हमें जो हमारे पास फ्रैक्शन होगा वहाँ से पता चल जाएंगी कि जो उसके हमारे पास फैक्टर्स होंगे वही एक्चुअली हमारे पास हमारे पार्शियल फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर होंगे। वैल्यूज हमने फाइंड करनी होगी न्यूमिनेटर की इन केस ऑफ फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शंस। अब हमने सपोज कर लिए कि जो न्यूमिनेटर्स हैं वो हमारे पास एक ए होगा और दूसरा बी होगा, या पार्शियल फ्रैक्शंस जो हैं वो हैं ए ओवर एक्स प्लस 3 प्लस बी ओवर एक्स प्लस 4। उसके बाद अब हम इनको इक्वेशन की फॉर्म में लेके आते हैं। इक्वेशन की फॉर्म में लेके आएंगे तो सबसे पहले ये जो हमारे पास दोनों साइड पे डिनोमिनेटर है इसको ख़त्म करने के लिए सारी इक्वेशन को दोनों साइड से x प्लस 3 और x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। जब मल्टीप्लाई दोनों साइड्स को करेंगे x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 से तो हमारे पास जो रिजल्टिंग इक्वेशन होगी वो होगी 7x प्लस 25 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 4 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3। फर्दर इसको हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 7x प्लस 25 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 4a प्लस बी एक्स प्लस 3b। अब हम ये करते हैं कि जो हमारे पास लाइक टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं कि 7x प्लस 25 इज इक्वल टू a प्लस b इंटू एक्स प्लस 4a प्लस 3b। ये हमारे पास इक्वेशंस बन गई हैं। अब इक्वेशंस बनाने के बाद हमने जो लाइक टर्म्स होंगी उनके दोनों साइड्स पे कोफिशेंट्स कंपेयर करने हैं। x के कोफिशेंट को इस साइड से इस साइड पे कंपेयर करेंगे, जो कांस्टेंट होगा उसको इस साइड पे कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे। ये हमारे पास
रूल है कि अगर हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स जो हैं वो आपस में इक्वल हों तो उनके जो सेम डिग्री वाले कोफिशेंट्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 7। जो इस साइड पे एक्स का कोफिशेंट है वो इक्वल होगा इस साइड पे एक्स के कोफिशेंट से, जो इस साइड पे कांस्टेंट है वो इक्वल होगा इस साइड पे कांस्टेंट के। तो कांस्टेंट्स हमारे पास इस साइड में है 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 25। अब ये जो दो इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व करके हम ए और बी की जो वैल्यूज हैं वो निकालेंगे। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आएगी ए इज इक्वल टू 4 एंड बी इज इक्वल टू 3। सो पार्शियल फ्रैक्शन जो हम होंगे वो हमारे पास होंगे 4 ओवर एक्स प्लस 3 एंड 3 ओवर एक्स प्लस 4। या जब इसको हम लिखते हैं एज ए सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस, तो जो हमारा फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन हमारा था 7x प्लस 25 ओवर एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 4 ओवर एक्स प्लस 3 प्लस 3 ओवर एक्स प्लस 4। अगर हम इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे तो हमारे पास यही रिजल्ट आएगा कि हमने एक फ्रैक्शन को रिजॉल्व कर दिया इन सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। इसी को करने का एक हमारे पास अल्टरनेटिव मेथड भी है। अल्टरनेटिव मेथड में स्टार्ट करूंगा जहां से हमने इक्वेशन बना ली थी। इक्वेशन हमने बना ली थी 7x प्लस 25 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस 4 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 3। अल्टरनेटिव मेथड में हम ये कर सकते हैं कि यहां से हम वैल्यूज फाइंड कर लें। अगर हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस बी को खत्म कर दें। इस बी को खत्म करने के लिए अगर इस टर्म को जीरो बनाना हो तो अगर एक्स की जगह पे -3 पुट कर दिया जाए तो ये टर्म हमारे पास जीरो बन जाएगी और यहां से हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। सो पुट एक्स इज इक्वल टू -3। पूरी इक्वेशन में एक्स की जगह पे -3 पुट कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा -21 प्लस 25 इज इक्वल टू ए इंटू -3 प्लस 4। ये बी वाले टर्म जो है ये जीरो हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगी। तो यहां से हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी ए इज इक्वल टू 4। जब हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो इस ए को जीरो करना होगा। तो जीरो करने के लिए अगर यहां पे हम एक्स की जगह पे -4 पुट कर दें तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, ए जीरो हो जाएगा तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। पुट एक्स इज इक्वल टू -4। -4 पुट करेंगे तो ये हमारे पास पूरी इक्वेशन बन जाएगी -28 प्लस 25 इज इक्वल टू बी इंटू -4 प्लस 3 और बी इज इक्वल टू 3। आंसर दोनों वो तरीकों में हमारे पास सेम ही आएगा, 4 ओवर एक्स प्लस 3 प्लस 3 ओवर एक्स प्लस 4। लेकिन ये जो मेथड है ये हम यूज करते हैं जब हमारे पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि आगे जाके जब हम देखेंगे कि रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे तो
हम इस मेथड को हाफ तक तो यूज कर सकेंगे, लेकिन उसके बाद फिर हमें कोफिशिएंट्स को ही कंपेयर करना पड़ेगा। तो जो भी मेथड आप यूज करें उससे आंसर सेम आएगा। इस मेथड में एक्चुअली जो चीज हमारे पास ए से मल्टीप्लाई हो रही होती है उसको जीरो के इक्वल पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए के साथ एक्स प्लस फोर मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्स प्लस फोर को जीरो के इक्वल पुट करके एक्स की वैल्यू आएगी -4। एक दफा वो वैल्यूज पुट कर दी जाती है और बी के साथ जो चीज मल्टीप्लाई हो रही होती है उसको जीरो के इक्वल बनाने के लिए एक्स की वैल्यू निकाली जाती है, वो वैल्यू पुट कर ली जाती है, तो आपके पास जो हमारे फ्रैक्शंस होते हैं उनकी वैल्यूज आ जाती हैं। इस लेक्चर में हमने ये देखा कि जब हमारे पास क्यू ऑफ एक्स जो है उसके नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि उसके ये फ्रैक्शंस होंगे, कोई भी फ्रैक्शन हम सपोज कर सकते हैं, ए ओवर फैक्टर्स दिए गए होंगे ए ओवर एक्स प्लस थ्री प्लस बी ओवर एक्स प्लस फोर। उसके बाद हम उसको इक्वेशन की फॉर्म में लेके आते हैं। इक्वेशन की फॉर्म में लाने के बाद जो हमारे पास लाइक टर्म्स होती हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं और दोनों साइड पे हम कंपेयर करते हैं कोफिशेंट्स ऑफ लाइक टर्म्स। वहां से हमारे पास कुछ इक्वेशंस आ जाती हैं, उन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमारे पास अपने जो ए और बी वेरिएबल्स जो होते हैं उनकी वैल्यूज आ जाती हैं। अल्टरनेटिव मेथड में हम ये करते हैं कि जब हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो जो बी वाले टर्म है उसको जीरो बनाने के लिए जो चीज बी से मल्टीप्लाई हो रही होती है उसको जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं तो वो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाती है। सिमिलरली बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो चीज बी से मल्टीप्लाई हो रही होती है उसको जीरो के बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो चीज ए से मल्टीप्लाई हो रही होती है उसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं, वहां से जो एक्स की वैल्यू आती है वो सारी इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाती है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 को सॉल्व करेंगे और 5.1 में हमारे पास सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इसी तरह के हैं जिसमें हमारे पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं, लेकिन उसमें कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे भी आएंगे जिनमें हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो हमारे पास प्रॉपर नहीं दिया गया होगा बल्कि इम्प्रॉपर होगा। तो पहले हम उसको प्रॉपर की फॉर्म में लेके जाएंगे, देन उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे।